तो यार आप सभी का स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं कि कैसे हम अपने इंजीनियर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कहां प्रोवाइड करते हैं और क्या क्या चीज़ों को सिखाया जाता है। तो बने रहेगा मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में। जैसे आप देख पा रहे हो वहाँ पे हमारे जो ट्रेनीज हैं अभी कंटूर परफॉर्म कर रहे हैं ऑटो लेवल की हेल्प से। जैसे एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है कि एक घर जो बनता है वो हमेशा घर बनता है, चाहे नाले के लेवल से चाहे रोड के लेवल से, एक 900 mm ऊपर 1200 mm ऊपर तक भी बनता है, तो उसमें हमको ऑटो लेवल की हेल्प से RL ट्रांसफर करने होते हैं। और जैसे ही हमको एक साइट डिसाइड होती है, साइट डिसाइड होने के बाद हमको कंटूरिंग परफॉर्म करना होता है। जैसे हमारी एक टीम वहाँ है, एक टीम यहाँ है, यहीं पे ही हम अपने लेआउट भी परफॉर्म करवाते हैं, जैसे टाउनशिप लेआउट, ब्रिकवर्क लेआउट और सेंटर लाइन लेआउट। ये तीनों टाइप के लेआउट को परफॉर्म किया जाता है। और इतने सारे ट्रेनीज जो है वो अलग अलग हमारे पास लगभग 4 ऑटो लेवल की हेल्प से हम ट्रेनीज को सिखाते हैं, ताकि हर एक इंजीनियर उसका यूज करना आराम से सीख सके। और अभी जहां मैं खड़ा हूं यहां हमारी साइट्स हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं कि हमारी कहां कहां साइट्स जहां हम विजिट करवाते हैं। यहां पे हम कंस्ट्रक्शन वर्क कैरी आउट नहीं करवाते हैं, हमारे कुछ टाई अप्स होते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन से जहां पे हम विजिट्स करवाते हैं अवेलेबिलिटी के हिसाब से। जैसे एक ये जगह मैं जहां खड़ा हूं, दूसरा वहां पे जो सब स्ट्रक्चर का वर्क चल रहा है, तीसरा आप खुद देख पा रहे हैं कि इतने सारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स को कैरी आउट कराए जा रहे हैं अवेलेबिलिटी के हिसाब से। हम बस क्या हो जाता है कभी कभी कि कई कई जगहों पे कभी हम लेके नहीं जा पाते, क्योंकि वहां पे उस टाइप का वर्क नहीं हो रहा है जिस टाइप का हमको आपको सिखाना है। तो जैसे अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे प्रॉप्स लगे हुए हैं, यहाँ पे शटरिंग लगी हुई है, यहाँ पे ब्रिक वर्क हुआ है, यहाँ कॉन्क्रीट वर्क हुआ है, ये सारी चीजें किसका पार्ट है पता है? एक सिविल इंजीनियर जब अपनी 4 साल की डिग्री कंप्लीट कर लेता है उसके बाद उसको ये तो पता होता है कि कॉन्क्रीट होता क्या है, कि एक सीमेंट सैंड एग्रीगेट का मिक्सर होता है जिसको हम पानी के साथ मिलाते हैं और कॉन्क्रीट बन जाता है। बट यहाँ पे इस कॉन्क्रीट को कास्ट कराने के लिए मेरे को कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट लगेगा और इसकी कॉन्क्रीट की क्वांटिटी कितनी होगी, इसके लिए मैं कितना पैसा लूंगा, कैसे इसको मेजर करूंगा, कैसे इसकी टेस्टिंग करूंगा, ये सारी चीजों से हम कहीं ना कहीं फोकस हटा लेते हैं अपने 4 साल में। और जबकि एग्जीक्यूशन में मेरे को यही देखना है कि अगर यहाँ पे सपोज स्लैब कास्टिंग हो रही है तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी स्लैब के लिए पूरा बंधा हुआ है, तो यहाँ पे जो MS फोम वर्क्स लगे हुए हैं उसके जो पैनल्स लगे हुए हैं वो कितने नंबर में लगेंगे, ये जो बल्ली लगी हुई है वो कितने नंबर पे लगेगा, उस MS फोम वर्क को सपोर्ट करने के लिए हमको किस किस चीज़ों की ज़रूरत लगेंगी, ये सारी चीज़ें ऑन साइट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सिविल गुरुजी करवाता है अपनी 2 महीने की ट्रेनिंग में, जिसमें हम बात करते हैं 2 महीने में कम्प्लीटली एस्टिमेशन सर्वेइंग BVS क्वान्टिटी सर्वे रेट एनालिसिस और बिलिंग का पार्ट। और जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाली है सिविल गुरुजी भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में भोपाल ब्रांच है, वहां 1 अप्रैल से आप लोग। इसी तरह हर महीने हम पहली तारीख को बैच स्टार्ट करते हैं जो नेक्स्ट बैच है 1 अप्रैल। अगर आपको ट्रेनिंग करनी है तो तुरंत कॉल करिए 9522371234 पे, और नीचे एक फॉर्म भी दिया हुआ है, अगर आपको चाहिए कॉल बैक तो हमारी टीम भी आपको कॉल बैक कर लेगी। नीचे फॉर्म को भी फिल कर सकते हो या कॉल कर सकते हो 9522371234 पे। तो यहाँ तो बात हो गई, ये कॉन्क्रीट वर्क हो गया, ये ब्रिक वर्क हो गया, यहाँ सील बैंड दिया हुआ है, तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है ना एक्चुअली, फाउंडेशन पार्ट, सब स्ट्रक्चर पार्ट, सुपर स्ट्रक्चर पार्ट, ये सारी चीजें कंप्लीटली, चाहे उसका एस्टिमेशन हो, चाहे क्वांटिटी सर्वे हो, चाहे उसको SOR से उसको लेकर, चाहे मेजरमेंट लेकर उसकी बिलिंग बनानी हो, ये सारी चीजें कंप्लीटली सिखाई जाती है। और अभी तो मैंने हेलमेट वेस्ट नहीं पहना है क्योंकि हम जस्ट अभी विजिट कर रहे थे और मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों को सारी चीजें दिखाई जाए जो हम 2 महीने में आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। जैसे ऑटो लेवल से ट्रेनिंग हो गई, लेआउट हो गए, फिर आपका एस्टिमेशन हो गया, SOR हो गया, और इसी तरह की जो अपने पूरी साइट्स रहती हैं, यहाँ पे अपना काम ही वैसी है कि आपको जो भी है मेहनत करनी पड़ती है, पूरा चढ़ना पड़ता है। जब भी आपकी विजिट्स रहेंगी तो इस टाइप के आपके स्टैंड्स रहेंगे, बट हेलमेट और वेस्ट प्रॉपरली के साथ। यहाँ पे अभी सरिया बनना शुरू हुआ ही है, बस अभी यहाँ पे बस MS का फोमवर्क लगाए हुए हैं, यहाँ पे बीम है और कॉलम है, तो जैसे अगर फ्यूचर में विजिट आती है तो यहाँ पे 1 से 2 दिन में हो सकता है कि स्लैब की कास्टिंग होने वाली है, तो स्लैब की कास्टिंग में यही विजिट होने वाली है इंजीनियर्स की। तो इतनी सारी चीजें जो सिविल गुरुजी आप लोगों को सिखा रहा है, बस समझना यह है कि ये जरूरी कितना है आप लोगों के लिए।
आपको आपकी पहली जॉब पाने के लिए, क्योंकि जो ट्रेनिंग सिविल गुरुजी दो महीने में प्रोवाइड कर रहा है उसकी जो फीस है उसका 65% आपको तभी पे करना है जब आपकी 20,000 से ज़्यादा की नौकरी लग जाए। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। और जिस तरीके से आज इतने लोगों ने, जहां लगभग अभी एक बैच में 20 इंजीनियर्स ही रहते हैं, जैसे इन इंजीनियर्स ने अपने लाइफ में कुछ करने का सोचा है, आई थिंक कि आप भी उस चीज़ को फील कर पाएंगे और सोच पाएंगे कि हाँ मेरे को ट्रेनिंग करने की क्यों ज़रूरत है। क्योंकि एक लाइफ में एक मेंटर का होना, एक रास्ते पे चलना वो ज़रूरी है। बस कौन से रास्ते पे चलना है जिससे सक्सेस मिल पाए वो आपको एक मेंटर ही बता पाएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, ऐसे ही बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ।